राजस्थान की डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर आखिर कांग्रेस का गठबंधन का प्लान विफल साबित हुआ। कांग्रेस ने यहां से बांसवाड़ा के विधायक अर्जुन वामनिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा नामांकन भरने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल से कुछ घंटे पहले की है। इससे पहले सियासी गलियारों में कांग्रेस के बाप पार्टी से गठबंधन की जमकर चर्चा चल रही थी। माना जा रहा था कि कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो जाएगा, लेकिन गठबंधन पर चर्चा विफल रहने के बाद कांग्रेस ने पूर्व मंत्री वामनिया को अब चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके बाद वामनिया ने डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इधर वामनिया के उम्मीदवार घोषित होने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने कुल 25 लोकसभा सीटों में से 2 लोकसभा सीट सीकर और नागौर में गठबंधन किया है। इस दौरान काफी समय से चर्चा थी कि कांग्रेस का डूंगरपुर बांसवाड़ा में आदिवासी क्षेत्र पार्टी बाप से गठबंधन होगा, लेकिन अब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार अर्जुन वामनिया को बनाया है। इसके बाद यहां से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। भाजपा की तरफ से महेंद्र जी सिंह मालविया और बाप की ओर से राजकुमार रोज चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में इस लोकसभा सीट पर काफी रोचक और त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। अर्जुन वामनिया कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेताओं में से माने जाते हैं। मालविया की तरह अर्जुन वामनिया का आदिवासी क्षेत्र में काफी प्रभाव है। वो बांसवाड़ा से 3 बार विधायक चुने गए हैं। वो पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इस बीच उनकी महेंद्र जी सिंह मालविया के साथ अदावत की कई खबरें भी आईं। वामनिया ने पहला चुनाव 2008 में लड़ा था। यहाँ उन्होंने बांसवाड़ा विधानसभा से भाजपा के धन सिंह रावत को करीब 15,000 वोटों से हराया था। अब अर्जुन वामनिया की नई पारी की शुरुआत करते हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या वामनिया को इन चुनावों में जीत मिलती है या नहीं। का संकट दिखाई दे रहा है पहले से, जिसने कांग्रेस का 40 साल तक खाया, वो आदमी भारतीय जनता पार्टी में बदल गए तो जनता में आक्रोश है कि 40 साल तक जिस पार्टी को मां कहने वाले व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में चले गए, इसलिए जनता में आक्रोश है कांग्रेस के प्रति। और अंतिम समय में हमारे ऊपर लेवल के नेताओं ने निर्णय किया कि युवा को टिकट दो, भाई अरविंद को टिकट दे।